this film from the start. They didn't give up. These five people who were there with me from the start never gave up on me. And they had the belief, and that's why we are here. The more you get to know them, you realize that, yaar, hum to kuch nahi hai. Matlab, Chandro Dadi aur Prakashi Dadi are bomb.com. Like, I swear, they are rock stars, yaar. Matlab, jo courage, jo zeal, zindagi jeene ki jo ek drive hoti hai na, wo inke paas hai, yaar. Matlab, we have learned so much from them. Mere ko, yaar, ek ऐसी पिक्चर करनी थी जिसमें दो हीरोइनें साथ में इक्वल रोल करें एक बार. आई रियली वांटेड टू डू दैट. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वेंट आउट, आई कॉल्ड अप शिबशीश एंड आई आस्क्ड हिम, आई हैव हर्ड देयर इज अ स्टोरी दैट यू हैव दैट यू नो देयर हैज टू वुमेन विद इक्वल रोल. आई हैड नो आइडिया कि क्या उम्र है उनकी, क्या है, कुछ नहीं आइडिया. मुझे बस दो हीरोइन वाली पिक्चर करनी है. शी लाइक शी केम टू हियर अ स्टोरी फ्रॉम अनदर डायरेक्टर. शी थॉट नो 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 कोई भी स्टोरी हो दो हीरोइनों का इक्वल रोल होना चाहिए बस. तो आई केम फॉर दैट एंड देन तुषार दे ऑर्गेनाइज द मीटिंग एंड तुषार केम एंड मेट मी. तुषार ने ना मुझे उसका ना फोन का कवर होता है ना जो, उस पे भी दादियों की फोटोग्राफ है. उस टाइम अभी तक है कि नहीं पता नहीं, बट दिखाओ पूरे नहीं. उस टाइम वो लेके घूम रहा है अपने फोन के कवर पे, तो उसने मुझे दिखाया ये है. तो आई वॉज लाइक कि चलो, मतलब मैं तो पहले डिस्क्वालीफाइड हूँ, मतलब मैं निकल ही जाती हूँ यहाँ से. इज लाइक बट ही वॉज लाइक कि यू मेक अप योर माइंड इफ यू वांट टू हियर इट और नो एंड देन इट्स गुड टू, आई मीन आई एम गुड टू नरेट द स्टोरी. सो नाइस स्टोरी एंड आई रिमेम्बर दैट रूम हैड एटलीस्ट 12 पीपल वेयर आई हैड दिस नरेशन एंड आई डोंट नो व्हाई देयर वर 12 पीपल एंड आई वाज द ओनली वन हु केम फॉर नरेशन. जैसे अभी मुझे दबोच के जैसे सारे बोलेंगे कि अच्छा पता कर रही है कि नहीं टाइप्स. सो बट या ऑल ऑफ देम एंड आई हर्ड द स्टोरी, आई हैड टीयर्स इन माई आईज सो मेनी टाइम्स व्हेन आई वाज हियरिंग द स्टोरी एंड आई विद इन 10 सेकंड्स आई सेड यस. तो सब 12 लोगों को लगा कि मतलब वेस्ट हो गया रात को आना यहाँ पर, मतलब तो बहुत ही आसानी से. बट ऑनेस्टली व्हेन आई वाज हियरिंग द स्टोरी, एक चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है. हाँ, इनकी स्टोरी इज दे आर बिग हीरोज फॉर द एंटायर नेशन टू लुक अप टू. बट फॉर मी वेरी वेरी इमोशनल रीजन टू डू दिस फिल्म वाज द फैक्ट दैट आई जस्ट कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माय मदर व्हेन आई वाज हियरिंग द स्टोरी. क्योंकि मेरे लिए ये वो स्टोरी है जिसमें उन औरतों की बात हो रही है जिन्होंने शादी से पहले सारी लाइफ अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने फादर के हिसाब से जो बताते थे जैसे करते थे वैसे जी, शादी के बाद जैसे हस्बैंड बोलते थे वैसे जी, उसके बाद बच्चे हो गए तो उनके लिए जी, कभी खुद के लिए जी ही नहीं. सो एट 60, माय मदर इज 60 राइट नाउ, सो दिस इज रियली स्पेशल बिकॉज एट दिस एज आई फील लाइक टेलिंग हर दैट आई वांट टू बी अ रीजन फॉर हर टू लिव हर लाइफ द वे शी वांटेड टू फॉर अ चेंज एंड आई होप She gets that through this film. अभी वो सारी जो videos बना रहे हो ना वो सब देख रही होंगी. She is there live watching कि क्या बोलने वाली है, क्या होने वाला है trailer. She has no idea what the trailer looks like. But this one is truly from my side. It will be dedicated to my mother. I hope all of you get your mothers, grandparents, parents, because this is really special. This Diwali will truly be a family Diwali in theaters. Everyone get your family with you, especially your mothers, your grandmothers, because this is truly special. The fact that Tapsee and I were going to do this together was the most exciting part because मुझे लगता है बहुत ही phenomenal actor है. And जब तुषार ने मुझे कहा कि you know वो finalized हो गई है, I was like you know what, this film is just meant to be and we are supposed to start it and I think we killed it. Yeah, you know I think no really, you know because I honestly feel आपके career में कुछ फिल्में होती हैं जो more than special होती हैं. Yeah. You know, and I can say this with a lot of confidence that for everyone who has worked on this film, everyone, this film is very special. You know, this film truly is an ode to my grandparents. This film is an ode to my mom. You know, like, just what our parents put into their life, what our mothers do for us is something that we don't even get a chance to thank, you know. Yeah. And this is our way of telling them thank you, and you gave us wings to fly and now is your time, you know. And both the dadis itni badi inspiration hai aur matlab I'm very overwhelmed right now, but give her 352 medals. You saw that on screen. They're just putting one in after the other like it was pouring water into a ghada. Jo aap jaisa aapko laga batao. Dekho main start kara tha Ruby Tomar ke aur Seema to beti ki girl.
रूबी पोती है और सीमा बेटी है, इनके साथ जागरू थी। तो मैंने स्टार्ट करा, मैंने घर में पानी में जग में ले कर प्रैक्टिस करी तो पोती उगल गई और छड़े चलाई। तो मेरा ये होते होते मैंने कभी सोचा नहीं कि बाहर जाऊंगी, अगर मैं सत्य में एल जे में जाऊंगी या इंडिया गोट टैलेंट में, जो कहीं नहीं सोचा। तो आज मैं ये दोनों बेटू ही गैर मेरा सपना पूरा हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। मैं चाहूँ मेरी उम्र और घनी इनका लगे। भी जितनी मैं इमोशनल हुई उससे समझिए कम से 1000% ज़्यादा। हर रोज़ इतना स्पेशल था, मतलब हम जहाँ शूट कर रहे थे वो दादियों के एक्चुअल उनका घर था जो अर्लियर जहाँ पे वो रहते थे। इतना प्यार मिला है दोनों दादियों से, उनके परिवारों से, पूरे गांव से। एंड यू नो उससे ज़्यादा एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि करते हुए आपको लगता है कि थैंक गॉड दिस स्टोरी चोज मी, यू नो थैंक गॉड मैं इस जर्नी का हिस्सा हो पाई, लाइक लिटरली मैं रिजल्ट होगा वो तो हमेशा दिवाली के बाद पता चलेगा। बट एक बात पक्की है, ये वो एक पिक्चर है जो मैं आगे जाके अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहूंगी कि मैंने करी है। मेरा इतना अच्छा रोल निभाया तापसी पन्नू ने और चंद्रो जी का निभाया भूमि ने, वो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे इन्हें, इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया, बड़ी अच्छी And then obviously Sudhakar Reddy shot it, my team, the whole entire team. Like I said again, ये हम मैंने कुछ नहीं किया, सब teamwork का जॉब देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाया है जो इनकी लाइफ में मतलब हुआ ही नहीं था, तो ऐसा इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते यार। they are in front of us, they have such a beautiful life, अब इतना ज़्यादा नहीं गलत जा सकते। बहुत ध्यान रखा गया है, सारी चीज़ें इनके सामने शूट हुई हैं, तो सब कुछ इनके लाइफ के बहुत करीब है, कुछ भी ऐसा लिबर्टी नहीं लेके ज़बरदस्ती के लिए नहीं दिखाया गया, कोई इमोशनल एंगल ज़बरदस्ती नहीं डाला गया। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो गया। आई डोंट थिंक किसी एक इंसान से पिक्चर बनती है, व्यू नहीं मिलता काफ़ी लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवीज़ के लिए, इवन इफ इट्स अ सिंगल हीरो और अ सिंगल हीरोइन ड्रिवन फिल्म। बहुत सारे और लोग होते हैं पिक्चर के ना जिसकी वजह से पिक्चर अच्छी है बुरी होती है, सो आई थिंक इट्स अनफेयर टू टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम देम इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज येस यू आर राइट, दिस विजुअल इज नॉट वेरी नॉट समथिंग दैट वी सी वेरी ऑफन ऑन स्क्रीन, इज वाई मेरे को ना हर चीज़ थोड़ी सी पुठी जिसको कहते हैं ना उल्टी करने का आदत है कि जो चीज़ नहीं हुई है करके देखते कैसे होती है, तो उसी एक्साइटमेंट में कर लिया हमने। एंड आई थिंक भूमिया ना आए बोथ बिलीव इन द फिल्म एंड द स्क्रिप्ट एंड आर रोल्स इंडिविजुअली सो मच, कभी एक सेकेंड के लिए आप मतलब हम लोग तो चलो भी स्टेज पे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे दूसरे के बारे में, बट इन एनी केस इफ दिस एनी वन ऑन द सेट यू एवर नो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली चेक विद देम। इनफैक्ट लोगों पे तो शर्तें लग रही थी कि देखते हैं इनकी लड़ाई कब होगी और मतलब ऐसा एक दिन था जब हमने कुछ कुछ किया था हमारे डायरेक्टर साहब के साथ वो भी आपको पता चलेगा बट यू नो पीपल वर एक्चुअली बेटिंग कि यार टू हीरोइन फिल्म दे वर लाइक ए फर्स्ट डे पे हो जाएगी सेकंड डे पे, बट लाइक यू नो टिल डे वी नेवर हैड अ डिसएग्रीमेंट। आई थिंक वी बीन वेरी क्लियर दैट वी आर वन यूनिट ऑन दिस फिल्म एंड यू नो राइटली सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द राइटिंग बिकॉज वी बोथ आर सो सिक्योर in our roles, you know, where the film is concerned, and we realize that this film is being made for a bigger reason, yeah. You know, you can't have any petty ideology connected in this film. You know, we all have really given our best, and I feel Tapsee and I are very secure as actors, you know, so I'm glad that we could do this together and that we had such a great time. मैडम आप जानती नहीं आपने क्या दरवाजा खोल दिया, आप जानती नहीं बेचारी भूमि, आई मीन फॉर मी पता नहीं क्या मैंने क्या खाया है लाइफ में ऐसा कि थैंकफुली मेरे मुंह पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट भूमि हैड
very severe reaction, rash. Half of her face became black. मुझे literally superficial burns हो गए थे. But I'll tell you what, जब हम makeup कराते थे तब बहुत लगता था कि क्या है, I wish कुछ और तरीका होता ये वो. पर जैसे आप set पे पहुँचते हो ना, ऐसे सारे दुख, दर्द, discomfort, हर चीज़ चली जाती थी. कि हमने इतने मज़े किए, मतलब लिटरली फ्रॉम द एडीज टू द स्पॉट टीम टू द प्रोडक्शन टीम, कॉस्ट्यूम, आई थिंक दे वर रियली हेल्पफुल. दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद अस, क्योंकि उनको पता था कि द थिंग्स दैट वी गो थ्रू, रोज सुबह ढाई तीन घंटे बैठ के ये मेकअप करवाना और उसके बाद 12 घंटे की शिफ्ट करना, उतारने में एक घंटा लगता था और बीच में अगर पसीने का एक बूंद भी आ जाता था अगर स्किन के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको हटा के दोबारा कर सकते हो. यू हैव टू रिमूव द एंटायर थिंग and do it again. And one of the days we ended up doing the makeup thrice in a day because it was really hot and we had to keep redoing it. So bhai mehnat to gayi bahut hai, matlab on an average I think we were clocking 20 hours. Yeah, it was very difficult. It was very difficult, lekin aapko film mein hamari wo takleefein nahi dikhegi, humne film mein itne mazey kiye hain. Yeah, dadi keep feeling bad about the fact that she's made us old at this age because of मैंने तो देखो, हमने ये लड़की जवान थी, हमने ये 60 साल की 65 साल की बना दी थी बेचारी. हैं मैं अभी भी जवान. कोई बात नहीं, वो बहाल होकर फिर जवान होगी.